जय हिंद नमस्ते वंदे मातरम साथियों आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में और लगातार आप सभी के लिए प्रतिदिन हम लोग साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं तो उसी प्रकार से आप सभी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास यह होने वाली है लगातार हम लोग आपके लिए बहुत ही शानदार चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो चलिए आइए सभी साथी हमारे साथ इस बेहतरीन से ये शानदार से सेशन में जुड़ जाएंगे और आज आपको फिर पुनः मैं थर्टी से लेकर फोर्टी क्वेश्चन करवाऊँगा विद जो है इसके शानदार फैक्ट के साथ भी हम लोग चर्चा करेंगे तो जो भी चैनल पर नया हो चाहे पहली बार चैनल पर विजिट किया हो तो आज ही जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि साथियों आपको हमारे सारे जो वीडियोस हैं सारी क्लासेस है सारी अपडेट हैं समय समय पर मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन और आज का महत्वपूर्ण सेशन देखिए साथियों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्या बोला गया है कि हमारे शरीर के अंग और अंगों के कार्यों का समन्वय खाली स्थान के अति आवश्यक है यदि दिए गए कथन को पूरा करिए मतलब जो खाली स्थान है उसके अंदर क्या आएगा यह हम लोगों को बुलाएँ तो पेशी गतिविधियाँ या फिर आपका समस्थापन या फिर श्वसन या फिर तंत्री का स्व समन्वय होगा तो देखिए क्या क्या होगा साथियों आप सभी को बता दूं कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा समस्थापन तो समस्थापन एक तंत्र का क्या है लक्षण है यह क्या होता है साम्य अवस्था को बनाए रखता है क्या करता है यह? यह जो है आपका साम्यवस्था को बनाए रखता है ठीक है तो आप सभी लोग जो है नोट करिएगा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे देखिए क्या बोला गया है बोला गया है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से या जो है अधिक अंग पर, पर, पर परस्पर क्रिया करते हैं यौम एक दूसरे के कार्यों को जो है पूरा करते हैं क्या कहलाते हैं तो देखिए समन्वय होगा या फिर समस्थापन रासायनिक सम, सम आ, जो है समायकलन या फिर होगा आपका आवेग का संप्रेषण तो चलिए देखते हैं आप सभी का राइट आंसर क्या होने वाला है राइट आंसर की बात करें साथियों अगर आप सभी लोगों ने लगा पाया है ऑप्शन नंबर ए ठीक है क्या सभी लोगों ने लगा पाया है ऑप्शन नहीं क्या आपका समन्वय तो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये सभी को नोट करके रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह तंत्र वह तंत्र जो कि तीव्र समन्वय के लिए बिंदु से जो है बिंदु तक संबंध वाला एक संगठित जाल प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है क्या कहलाता है तो अंतःस्रावी तंत्र परिसंचरण तंत्र पाचन तंत्र या फिर तंत्रिका तंत्र तो आप हम लोग कौन सी क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है नर्वस सिस्टम ठीक है चलिए चीज़ें अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों बोला गया कि कौन सा तंत्र तो कौन सा तंत्र युग्मन संबंधित रूप से अंगों की सीधी गतिविधियों का समन्वय एकीकरण करते हैं ताकि वह समकालीन रूप से कार्य कर सके तंत्रिका योग शोषण होगा या फिर तंत्रिका योग पाचन तंत्र तंत्रिका योग जो है अंतस्त्रावित तंत्र या तंत्रिका योग परिसंचरण तंत्र होगा तो देखिए साथियों समन्वय वह प्रक्रिया होती है क्या आपको बता दूं पहले समन्वय क्या है तो समन्वय वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक अंग परस्पर क्रिया करते हैं ठीक है दो या फिर दो से अधिक परस्पर क्या करते क्रिया करते हैं अब देखिए और यह क्या है तंत्री का अंतस्त्रावित तंत्र है तो ऑप्शन नंबर क्या है सी इसका राइट आंसर होने वाला है और आप सभी को नोट करके रखना है चलिए उसी प्रकार से साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा क्या बोला गया जरा ध्यान दीजिएगा कि तंत्री का तंत्र बहुत विशिष्ट कोशिकाओं का, का बना होता है जो कि न्यूरान जो है कहलाता है वे जो है करती है उद्दीपन का जो है पता लगाना या उद्दीपन को ग्रहण करना या फिर उद्दीपन का संप्रेषण या फिर उपयुक्त सभी होगा तो तंत्रिका की प्लाज्मा झिल्ली इसके आर पार जो है धनावेश आयनों के स्त्रावन में अंतर को क्या कर? अंतर के कारण ही क्या होती है ध्रुवित हो जाती है तो आपको उद्दीपक का पता लगाना और क्या उद्दीपन को ग्रहण करना और उद्दीपन का सम प्रेषण तो ऑप्शन नंबर क्या है डी करेक्ट होगा क्या होगा साथियों हो? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र शरीर के भीतर सम्प्रेषण का तीव्रतम जो है माध्यम प्रदान करता है अंत स्त्रावी तंत्र तंत्रिका तंत्र परिसंचरण तंत्र या फिर पाचन तंत्र होगा तो देखिए तंत्रिका की प्लाज्मा झिल्ली के आर पार तंत्रिका तंत्र आयनों द्वारा क्या है मध्यस्थ हो जाता है यह तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या तंत्रिका तंत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या ठीक है और यह शरीर में संप्रेषण की जो है तीव्रतम विधि होती है क्या विधि होती है यह तीव्रतम विधि होती है तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट पर बात करें तंत्रिका तंत्र के आधारभूत कार्यों को पहचानिए तंत्रिकाओं द्वारा भीतरी एवं बाहरी वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करना या फिर निवेशित सूचनाओं को प्रगति या फिर उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया या फिर उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा तो क्या होगा तो साथियों हो, आप सभी लोग नोट करिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि तंत्रिका तंत्र के आधारभूत कार्यों का जो है पहचानने मतलब तंत्रिकाओं का तंत्रियों द्वारा भीतरी एवं बाहरी वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करना ये और बी की बात करें निवेशी सूचनाओं का प्रगति उद्दीपन के लिए प्रक्रिया तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है चलिए नेक्स्ट की बात करें साथियों क्या है निम्नलिखित में से तंत्रिकाओं के लक्षण कौन से होंगे तो आपका सही आंसर क्या होगा कि तंत्रिका बाह्य उद्दीपन से क्या करती है उत्तेजित हो सकती है क्या हो जाती है यह उत्तेजित हो जाती है तो चलिए आप सभी का अगर साथियों राइट आंसर क्या पा रहा होगा अगर आप सभी साथियों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है क्या उत्तेजनशीलता तथा चालकता क्या होगा उत्तेजनशीलता और चालकता ठीक है तो क्या आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सभी कथन का चुनाव करिए मतलब सही कथन का चुनाव करिए अब देखिए क्या है तंत्रिका अंत स्त्रावी गतिविधियों का नियमन करती है किंतु विलोमतया नहीं अंतस्त्राविद ग्रंथियाँ तंत्री की गतिविधियों का नियमन करती है किंतु जो है विलोमता नहीं अंत स्त्र ग्रंथियाँ तंत्रिका गतिविधियों योम तंत्रिका तंत्र अंत स्त्रावि ग्रंथियों का नियमन करता है और न हार्मोन्स ठीक है न हार्मोन तंत्री की गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं और न ही तंत्रिका एवं अंत ग्रंथियों का नियंत्रण करती है तो तंत्रिका अंत स्त्रावित क्रियाओं का क्या करती है नियंत्रण करता है किंतु यह अंत स्त्रावित क्रिया तंत्रिका का नियंत्रण नहीं करता है तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है साथियों क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये आप लोगों को ध्यान रखना है चलिए जो क्या है सही है बाकी सब रॉन्ग है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे हाइड्रा के तंत्रिकीय संगठन को कहते हैं हाइड्रा के तंत्रिकीय संगठन को कहते हैं तंत्रिका का जाल या फिर आपका सी एन एस कहते हैं या फिर पी एन एस ठीक है अब ये सी एन एस क्या है पी एन एस क्या है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म चलिए अब देखिए साथियों ध्यान दीजिएगा कि आपका निडेरियन में तंत्रिका तंत्र तंत्रिका जाल का बना हो और यह हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र जो है क्या तंत्रिका जाल का बना होता है तो आपका जो है तंत्रियाओ तंत्रिकाओं का जाल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर और आप सभी लोगों ने यह कर पाया होगा मानव का तंत्री का तंत्र बना होता है मानव का तंत्री का तंत्र बना होता है केवल पी का ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं या फिर केवल सी का बताइए या विकल्प दोनों का ही तो ध्यान रखना है कि मानव का जो तंत्री का तंत्र है जो नर्वस सिस्टम है वह दोनों का बना होता है एक तो पी का ठीक है और एक तो सी का सेंटर नर्वस या फिर आपका जो है फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला दोनों ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलिए पी मतलब जो आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है और जो है सी एन एस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरीफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम चलिए मस्तिष्क योग मेरू संयुक्त रूप से बनते हैं तो संयुक्त रूप से क्या बने होते हैं तो मस्तिष्क योग मेरू रज्जु संयुक्त रूप से जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते केंद्रीय मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो आपका जो राइट आंसर होगा सी एन एस होने वाला है और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ओके चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे क्या बोला गया है बोला गया है कि निम्न में से कौन सूचनाओं की क्रियाओं का नियंत्रण स्थल होता है तो क्या हो सकता है तो साथियों सूचनाओं की जो है प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण होता है सर यह आप सभी लोग को नोट करना है सभी लोगों को ध्यान रखना है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है यह आप लोगों को ध्यान रखना है नेक्स्ट की बात करेंगे परि परिधीय तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं पहला ए और दूसरा बी तो रिक्त स्थान पर क्या क्या आने वाला है वह हमें बताना है तो देखिए परि परिधीय तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं जिसमें ठीक है कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के जिसमें एक एक होगा आपका अभिवाही का और एक होता है अपवाही का तो क्या सी आंसर आप सभी लोगों का आ पा रहे क्या चलिए आपके मन में सोचना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है ये नहीं कि मैंने जो आंसर आपको बताया है वही आप लोग क्या करें चलिए मेरा वेट करें इंतज़ार करें कि सर जब बताएंगे तभी हम लोग आंसर लगाएंगे ऐसा नहीं है आपको क्या करना है मेरे से पहले आंसर सोच लेना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है चलिए नेक्स्ट बात करें क्या आंसर हो सकता है नेक्स्ट है आपका अभिवाही तंत्रिका तंत्र आवेगों का सम्प्रेषण करते हैं क्या बोला है अभिवाही तंत्रिका तंत्र जो है अभिवाही तंत्रिका तंतु आवेगों का संप्रेषण करते हैं अब देखिए उतक अंग से सी एन एस तक सी एन एस से संबंधित परिधीय तंत्रिका जो है अंग तक सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो आपको बता दूँ कि अभिवाही ठीक है क्या आपका अभिवाही अभिवाही तंत्रिका तंत्र आवेग का सं तं, आवे जो है संचरण उतकों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम की बात कर रही है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उतक और जो है अंग के सी एन एस तक नेक्स्ट देखिए अपवाही अपवाही तंत्रिका तंतु आवेगों का संप्रेषण करते हैं उतक अंगों के सीएनएस तक या फिर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा कि अपवाही तंत्रिका तंतु आवेगों का संप्रेषण करते हैं तो आप सभी का राइट आंसर होगा साथियों सभी को नोट करना है क्या ऑप्शन नंबर सी क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित परिधियत जो है उत्को या फिर अंगों तक सी आंसर होगा चलिए नेक्स्ट की बात करें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परिधीय तंत्रिका तंतु में होता है परिधीय तंत्रिका तंतु में होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्रिका तंत्रियों अनुकंपित तंत्रिका तंत्र कायिक तंत्रिका तंत्र एवं समायत तंत्रिका तंत्र केवल अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र या केवल कायिक तंत्रिका तंत्र तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में कायिक तंत्रिका तंत्र एवं आपका स्वस्थ तंत्रिका तंत्र सम्मिलित होता है तो दोनों ही होगा क्या साथियों आप सभी ने भी बी आंसर लगाया है क्या तो जिन साथियों का बी आंसर आ रहा है वो डेफिनेटली आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आप लोगों को ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट की बात करें साथियों कि वह तंत्र जो आवेग का संचरण केंद्रीय तंत्रिका का तंत्र मतलब नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंकाल पेशियों तक करता है अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र परानुकम्पीय तंत्रिका तंत्र कायिक तंत्रिका तंत्र या फिर जो है स्वात्व तंत्रिका तंत्र क्या कहलाता है तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि यह साथियों कहलाएगा कायिक तंत्रिका तंत्र क्या कहलाएगा साथियों कायिक तंत्रिका तंत्र चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों सेशन अगर पसंद आ रहा होगा तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना ठीक है और शेयर करिएगा ताकि आपके भाई और आपके जो आ, दोस्त हैं वो इस क्लास को देख सके और इससे सीख कर जो है एक अच्छी सी जो है नंबर ला सके और अच्छी सी जो चीज़ों को फॉलो कर सके वह तंत्र जो आवेग के केंद्रीय तंत्र का तंत्र से शरीर के अनियंत्रित अंगों चिकनी पेशियों तक जो है करता है देखिए तो अनुकंपीय या फिर परानुकंपीय कायिक तंत्रिका तंत्र स्वतः है कि तंत्रिका तंत्र बताइए जरा क्या हो सकता है तो साथियों आपको नोट करना है क्या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आप सभी साथियों का अगर डी आंसर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा बहुत ही अच्छा आंसर आप सभी लगा पाया होगा नेक्स्ट की बात करें साथियों क्या बोला गया है बोला है कि परानुकंपीय तंत्रिका संकेत परानुकंपीय तंत्रिका संकेत हृदय की क्रिया को किस प्रकार प्रभावित करते हैं किस प्रकार से प्रभावित करेंगे अब देखिए हृदय दर हृदय नियत कम करना हृदय की दर हृदय निर्गत को प्रभावित किए बिना बढ़ाना हृदय की दर योम हृदय जो है निर्गत बढ़ाना या हृदय दर घटाना किंतु हृदय निर्गत बढ़ाना क्या हो सकता है तो परानुकंपी तंत्री का जो है संकेत मतलब सिस्टम ठीक है तो यह जो है हृदय दर योम हृदय निर्गत काम जो है करेगा तो क्या हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा क्या जी हाँ साथियों जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए है डेफिनेटली आपका राइट आंसर होगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है ठीक से और बेहतर तरीके से पढ़ें अब देखिए यहाँ पर आपको किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी डी के स्थान पर क्या आएगा अब देखिए छोटा कर दो थोड़ा तो आप लोग पहचान भी पाएंगे कि क्या आंसर हो सकता है सर देखिए तंत्रिका तंत्र दो भाग होते हैं एक सेंट्रल नर्व सिस्टम एक पेरिफेरल नर्व सिस्टम ठीक है तो यहाँ पर सी एन एस आएगा और यहाँ पर पी एन एस आएगा ओके okay. बात करते हैं आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम तो दो भागों में बटा होता है एक होता है आपका तंत्रिका तंत्र और सॉरी तंत्रिका तंत्र बोला एक होता है ब्रेन मस्तिष्क और एक होता है स्पाइनल कार्डुम्बी रज्जु होता है अब देखिए सी की बात करें तो सी के स्थान पर क्या आएगा तो ए एन एस आएगा क्या आएगा ए एन एस और जो पी एन एस है तो ये पी एन एस दो प्रकार से एक होता है आपका ए एन एस और एक होता है आपका काय तंत्रिका तंत्र पर जो आपका ए ए एन एस है ये भी दो भागों में बटा होता है एक होता है आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक परानुकंपी एक आपका अनुकंपीय और एक आपका है तो क्या सभी साथी समझ पाए हम लोग क्या सी आंसर लगाएंगे ठीक है मानव तंत्रा तंत्र के दो भाग होते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम पेरिफेरल नर्व सिस्टम पेरिफेरल सिस्टम सेंट्रल नर्व सिस्टम के दो पार्क एक ब्रेन होगा मस्तिष्क होगा एक होता है मेरोजो स्पाइनल कार्ड होता है ठीक है चलिए आपको समझ में आ चुका होगा बढ़ते हैं जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि तंत्रिका कोशिका में होते हैं तंत्रिका कोशिका में होते हैं कोशिका का है या फिर आपका दुमक्ष या फिर आपका हैक्जॉन या उपरुक्त तो सभी होगा तो साथियों आप सभी साथी नोट करिएगा कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोशी के काय ठीक है सेल बॉडी या फिर आपका दुमाक्ष या फिर आपका एक्जॉन तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट होगा क्या होगा डी इज द राइट आंसर तंत्रिका के कोशिका काय में होते हैं तंत्रिका की कोशिका जो है ताय में होते हैं तो जीवद्रव्य कोशिकांग कणिकाय या ये सभी क्या होगा तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा कि जीवद्रव्य कोशिकांग या फिर आपका कणिकाय या उपरोक्त सभी तो सी आंसर सॉरी डी आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्या होगा डी आंसर करेक्ट है नेक्स्ट की बात करते हैं कि तंत्रिका के कोशिका कार्य में निश्चित कणिका काय को कहते हैं कोशिका कणिकाय है, तंत्रिका कोशिकाएं आपका निशेल कणिकाएं या जो है तंत्रिका कणिकाएं क्या होगा तो साथियों आप सभी को नोट करना क्या निशेल जो है कणिकाएं क्या है निशेल कणिकाय ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होने वाला है और डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर लगाया है निशेल कण पाए जाते हैं कोशिका काय में या फिर आपका दुमाक्ष में विकल्प ए बी दोनों में ही या एक्जोन में बताइए तो साथियों आप सभी को नोट करना है ठीक है सभी साथियों को नोट करना है कोशिका काय और आपका दुमाक्ष में ओके okay. चलिए आगे बढ़ते हैं दुमाक्ष आवेगु का संचरण करते हैं कोसी का काय की ओर या फिर एक्ज़ोन की ओर विकल्प ए और बी दोनों में ही या इनमें से कोई नहीं तो साथियों आप सभी को नोट करना है क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर होने वाला है क्या कोसी काय कोसी काय की ओर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है समझ आया क्या होगा ऑप्शन नंबर एक चालक तंत्रिका द्वारा क्वेश्चन है कि चालक तंत्रिका द्वारा पेशीय तंतु का उद्दीपन होता है, है? उद्दीपन होता है तंत्री संधि पर अनुप्रस्थ नलिका काओ में या फिर मायो फाइब्रिल पर या पेशीय द्रव्य जालिका तो चाल आपको ध्यान रखना है कि चालक तंत्रिका द्वारा पेशीय तंतु का जो है उत्तेजन तंत्रिका पेशीय संधि स्थल पर होता है तो साथियों आप सभी का जो राइट आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या तंत्रिका पेशीय संधि स्थल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिनेप्टिक सिनेप्टिक नाभ जो है बल्ब जैसी संरचना होती है जो पाई जाती है हेग्जोन टर्मिनल के अंत पर रेनी रेन वियर नोड पर कोशिका काय पर या जो है दुमाक्ष के अंत पर क्या होगा तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. क्या होगा हेग्जॉन टर्मिनल के अंत पर ठीक है ऑप्शन नंबर ए होगा नेक्स्ट की बात करें साथियों बोला है कि सिनेप्टिक जो है पुटिकाओं में पाए जाने वाला रसायन है सिनेप्टिक पुटिकाओं में पाए जाने वाला रसायन है तो सिनेप्टिक द्रव या फिर न्यूरो ट्रांसमीटर या पुटिका द्रव या ये उपरोक्त सभी होगा क्या आंसर है साथियों तो आप सभी को नोट करके रखना है क्या होगा राइट आंसर राइट आंसर होगा आपका न्यूरो क्या होता है साथियों न्यूरो ट्रॉन्समीटर इज द राइट आंसर सभी साथी बिल्कुल इसे कर पाए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तंत्री काय का है? हो सकते हैं तंत्री काय का है? हो सकते हैं बहुध्रुवीय या आपका द्विध्रुवीय एक ध्रुवीय या उपयुक्त सभी होगा तो तंत्रिका काय जो होते हैं बहुध्रुवीय है, और साथ में द्विध्रुव और साथ में एक ध्रुवीय तो डी आंसर करेक्ट होगा और आप सभी लोगों ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया होगा साथियों आज के बेहतरीन से सेशन में ठीक है तो आई होप साथियों क्लास आपको पसंद आएगी आप लोग क्लास को शेयर करेंगे ओके अपने दोस्तों को बताएंगे कि सर की क्लास स्टार्ट है समाधान स्टडी आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है साथ में पी नोट्स फिजिक्स क्लास केमिस्ट्री सारी क्लासेस आपको मिल रही है तो चलिए साथियों मिलते हैं कल की और नेक्स्ट क्लास में जय हिंद वंदे मातरम